नमस्कार, स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है, यानी अगर आप स्वस्थ हैं, आपने अच्छी सेहत बना ली है, तो यकीन जानिए कि आपने दुनिया की बेहद कीमती दौलत को कमा लिया है। इसीलिए तो कहते हैं कि तन मन से स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। मन को स्वस्थ रखने के लिए आध्यात्म जरूरी है। तो चलिए, आइए सबसे पहले जुड़ते हैं आध्यात्मिक प्रसंग मधु कलश में। गोस्वामी महाकवि तुलसीदास हिंदी साहित्य के ही नहीं, समूचे भारतीय समाज के गौरव पुरुष। मध्य युग में जब भारतीय समाज हताशा में डूबा हुआ था, उन्होंने जन जन को यह प्रबोध दिया कि सब तज हरि भाजो, राम की शरण में आ जाओ। रामाश्रय ग्रहण करोगे तो वे धनुर्धारी राम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और फिर किसी प्रकार की कोई चिंता, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। उनकी सबसे बड़ी देन यह है कि रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की एक ऐसी कथा कही जिससे परिवार भावना को बल मिला, जिससे भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप सामने आया, जिससे विभिन्न प्रकार के सामाजिक नाते रिश्ते व्याख्यायित हुए, और इस प्रकार एक प्रेरणा प्राप्त हुई जनसाधारण को, जन समाज को। उनका लक्ष्य था कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, ऐसा भक्ति मार्ग जो वेद समर्थित है, शास्त्र समर्थित है, उसका फिर से प्रचार प्रसार हो और उसकी स्थापना हो। जो उन दिनों सांप्रदायिक विषमता व्याप्त थी, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने समन्वय का मार्ग अपनाया, चाहे वो शैव वैष्णव और शाक्तों का समन्वय हो। गोस्वामी जी की सबसे बड़ी देन है उनकी समन्वय भावना। जो विरोधी विचार उस युग में छाए हुए थे, जैसे सगुण और निर्गुण, जैसे ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग, जैसे लोक मत शास्त्र मत, जैसे संस्कृत और हिंदी या जनपदीय भाषाएं, इन सब के बीच उन्होंने समन्वय का या सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव शैव शाक्त इन सारी उपासना पद्धतियों को एक दूसरे से मिला दिया। उन्होंने एक विशेष प्रकार का जीवन आदर्श अपनाया। विनय पत्रिका के एक पद में वो कहते हैं, कबहू कहो यह रहनी रहोंगो, माने हम चाहते हैं इस प्रकार के जीवन पद्धति अपनाए, संत स्वभाव गाहोंगो, जिसका निष्कर्ष है कि संतत्व प्राप्त हो जाए, वही स्वभाव हमारा स्थायी भाव बन जाए। और उसका लक्षण क्या है कि जथा लाभ संतोष सदा, काहू से कछु न चाहूंगो। आत्मसंतोष, किसी से याचना नहीं करनी, परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेम निभाऊंगो, जहां तक हो सके सांस सांस में परोपकार करना, इस नियम का निर्वाह करना। दूसरे संत का एक स्वभाव होता है सहनशीलता, परुष वचन अति दुसाह श्रवण सदी ते ही पावक न दहाऊंगो, कठोर से कठोर बात कोई कह दे कानों से सुनूंगा, लेकिन उसकी आग में नहीं जलूं। विगत मान सम शीतल नखमख नहीं परदोष लखोंगो, मैं विगत मान मने अहंकार से मुक्त हो जाऊं, दूसरों का अवगुण मुझे न दिखाई दे, केवल उनके गुण देखें और उनका ही हम अनुशंसा उनकी करते रहें, और परिहर देह जनित चिंता, शरीर की चिंता भी नहीं, इसमें तो विकृतियां आती जाती रहती हैं, सब सुख दुख सम बुद्धि सहूंगो, सुख मिले तो दुख मिले तो उसको समान भाव से मैं ग्रहण कर सकूं, ये संतों का लक्षण है। और इस प्रकार के संतत्व का प्रचार उन्होंने अपने जीवन में और साथ ही अपने पात्रों के माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उन्होंने कहा कि श्रुति सम्मत अति विदित अहिंसा, अहिंसा से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि लोभ बहुत विडंबनाकारी होता है, मोह बड़ा अनिष्टकारी होता, तो ऐसी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनसे मुक्त होकर राम का आदर्श सामने प्रस्तुत किया, जिसके कारण रामचरितमानस धर्म ग्रंथ के रूप में हमारे समाज में प्रतिष्ठित है। दोस्तों, स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम में आज का विषय हमने लिया है हृदयघात, यानी कि हार्ट अटैक। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का,
और अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक के पेशेंट की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दर्शकों, ये बीमारी आधुनिक जीवन शैली की देन है। अगर हम अपने जीवन शैली में थोड़ा सा भी बदलाव लाएंगे, आहार विहार में थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो काफ़ी हद तक हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। तो दर्शकों, आइए आपको ले चलते हैं वैकल्पिक चिकित्सा में। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें कई सारे चक्रों को ठीक करने की आवश्यकता हो सकती है। ये चक्र हमारे ऑरा से बाहर निकलकर लगातार घूमते रहते हैं। जब ये चक्र घूमते हैं तो एक डायरेक्शन में घूमने से ये प्राणों को अंदर लेते हैं और यही प्राण फिर अवयवों में जाकर, शरीर के अंदर जाकर जब यूज हो जाते हैं, प्रयोग में आ जाते हैं, तो यूज्ड अप एनर्जी और इनके साथ साथ जो अनवांटेड एनर्जी है उसको बाहर निकालने में ये चक्र उनको फिर बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से ये चक्र हमेशा एक डायरेक्शन में पहले घूमते हैं और फिर अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। जिस तरह हम सांस लेते हैं उसी तरह से हमारे सारे के सारे चक्र सांस लेते रहते हैं। इन चक्रों के ऊपर कभी कभी गंदी ऊर्जा आ सकती है, बीमार ऊर्जा आ सकती है, या कहिए कि बीमारियां आ सकती हैं। जैसी बीमारी आती हैं तो ये माल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं और प्राणिक हीलिंग में इसी बीमार एनर्जी को हम बाहर निकाल कर चक्रों की सफाई करके और बीमारियों को ठीक करने में सक्षम होते हैं। शायद आप आश्चर्य करेंगे कि कोई भी बीमारी, भले शारीरिक हो, मानसिक हो और भावनात्मक हो, सभी बीमारियों को हम रोगी से बिना पूछे खुद ही पता लगा लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है और इस टेक्निक को, जिसको हम स्कैनिंग बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें समझाना चाहूँगा ये है क्या। हमारा ऑरा शरीर के चारों ओर एक विशेष स्थिति में रहता है। ये एक शरीर से करीब 6 या 7 इंच की दूरी तक रहता है, जिसको हम इनर ऑरा बोलते हैं। यदि ये ऑरा शरीर के और ज़्यादा बाहर जाता है या अंदर जाता है तो इसको नापना आसान होता है, और यदि चक्रों पर इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि क्या एनर्जी का जमाव रहा है या क्या उसके अंदर कम हुआ है, तो हम स्कैनिंग के द्वारा उस चक्र पर हुई बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे नाभि चक्र जो पेट के ऊपर होता है, नाभि के ऊपर होता है, हम उसको कंपेयर करेंगे कि ये चक्र क्या हमारे स्टैंडर्ड ऑरा के बराबर है या नहीं। तो हम अपने शरीर के किसी ऐसे अंग पर जहाँ पर हमें कोई बीमारी का दिखते नहीं हो, पता नहीं हो, या ये स्वस्थ हो अंग, उस पर नाप कर हम अपने ऑरा का एक स्टैंडर्ड ऑरा नाप लेते हैं और उससे कंपेयर करके यदि ऑरा किसी और जगह, जैसे हम नाभि का आपको उदाहरण दे रहे थे, यदि ये ज़्यादा या कम हुआ तो बशर्ते मान के चलिए कि ये चक्र बीमार है और इस समय इस व्यक्ति को पेट की कुछ बीमारियां से ग्रस्त हो गया है। अब वो कौन सी बीमारी है इसके बारे में और स्कैनिंग करके अंदर पता लगा सकते हैं, लेकिन इसी चक्र की इस बीमारी, बीमार ऊर्जा को हटाकर हम पूर्ण रूप से उसके पेट के रोग को ठीक भी कर सकते हैं। स्कैनिंग एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में पता लगा लेते हैं। सबसे अच्छी बात स्कैनिंग की ये है कि शरीर में आने वाले रोगों के बारे में भी इसमें पता लग जाता है। कोई भी बीमारी को पता लगाकर चक्र पर हम स्कैनिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या बीमारी है, और अपनी पद्धति के द्वारा, प्राणिक हीलिंग की पद्धति के द्वारा इनको हम हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दर्शकों, आओ सब मिलकर लगाएं नारा, आओ सब मिलकर लगाएं नारा, बीमारियों से बचना फर्ज हमारा। जी हाँ,
बीमारियों से बचने के लिए और खास तौर से हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए अपने जीवन शैली में योग को जरूर अपनाइए। हम हमेशा कहते हैं करिए योग और रहिए निरोग। तो दर्शकों, ये जानने के लिए कौन कौन से ऐसे योगासन हैं, कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिन्हें आप अपनी जीवन शैली में जब अपनाएंगे तो आपका हृदय जिंदगी भर स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं योग गुरु के पास योग विद्या में। हम आज बात करेंगे हृदयघात के बारे में, जो हृदय रोग आज एक आम समस्या के रूप में बन गया है। तो हृदय रोग हम घर बैठे कुछ ऐसे आसन प्राणायाम के बारे में आपको बताएंगे जिससे कि आप घर बैठ करके हृदय रोग का उपचार कर सकें। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं शशांकासन। शशांकासन के लिए अपने कमर से नीचे जो हिस्सा है उसको आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लीजिए, फिर मस्तिष्क हाथों को ऊपर करके मस्तिष्क और हाथों को जमीन से टिकाइए, जितना हो सके उतना मस्तिष्क को नीचे ले जाइए और आप अपने आप को टिकाइए। यह है आपका शशांकासन। इससे आप हृदय से होने वाले सभी रोगों में निजात पा सकते हैं, उनसे आप उपचार कर सकते हैं। आज व्यक्ति के पास समय के साथ साथ समय कम है और जगह भी कम है, तो आओ कुछ ऐसी मुद्राएं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि आप कम समय में और अधिक उपचार कर सकते हैं घर बैठे। जैसे कि इसमें हृदय से संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें आप अपान मुद्रा का इस्तेमाल कीजिए। अपान मुद्रा, जो पहली उंगली उसको आप नीचे झुकाइए, अंगूठे को उसके ऊपर इसको लॉक कर दीजिए और जो दोनों मध्यमा और कनिष्ठ मध्यमा और जो अंगुष्ठ मुद्रा है उसको आप ऊपरी हिस्से को टच कीजिए कनिष्ठा से। यह है आपकी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा के द्वारा आप कई रोगों में निजात पा सकते हैं, जैसे मधुमेह जैसे रोग या हृदय से संबंधित रोग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हृदय से संबंधित रोग आप बड़ी आसानी से हृदय से जितने भी रोग हैं आप इससे दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे हृदय में जैसे कि रक्तचाप हमारा होता है तो रक्तचाप भी हम इससे निम्न अपना जो रक्तचाप है उसको संतुलित रख सकते हैं, व्यक्ति को गुस्सा आना इससे कम हो जाता है, ऐसे अनेकों अनेक लाभ इससे आप पा सकते हैं। शशांकासन जो आपको पहले बताया था और यह है एक मुद्रा। मुद्रा कैसे कार्य करती है आइए इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बता दें। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। उन्हीं 5 तत्वों को हमारे यह हाथ की 5 उंगलियां दर्शाती हैं, जिसमें अंगूठा जिसे अंगुष्ठ बोलते हैं यह अग्नि तत्व को दर्शाता है। ये जो उंगली है इसको आप जो हमारी वायु तत्व को दर्शाती है, मध्यमा हमारे आकाश तत्व को, और यह जो अनामिका उंगली है जिसे रिंग फिंगर भी बोलते हैं यह हमारे पृथ्वी तत्व को, और जो कनिष्ठ सबसे छोटी उंगली है यह हमारे जल तत्व को दर्शाती है। किसी भी तत्व की कमी हो जाने से रोग होते हैं तो हम इसी प्रकार मुद्राओं का उपयोग करके इनसे रोग से निजात पा सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का विषय हमने लिया है हार्ट अटैक, हृदय यानी कि दिल शरीर का बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण अंग है। दिल की धड़कन जिंदगी की अलामत है, यानी जब तक दिल धड़कता रहेगा जिंदगी चलती रहेगी, इसलिए दिल की सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कम जानकारी और लापरवाही की वजह से लोग हृदयघात का शिकार हो जाते हैं। हार्ट अटैक क्या है, क्यों होता है, कैसे बचा जाए और आखिर इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने के लिए एक्सपर्ट की राय जरूरी है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास चिकित्सकीय दृष्टिकोण में। हृदय हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसका काम है निरंतर धड़कते रहना, यानी कि पैदा होने की शुरुआत से पहले ही और जीवन के अंत तक ये हमारा साथ देता है, धड़कते रहता है, जिसका मुख्य कारण काम है कि ये पूरे शरीर में हमारे लिए खून पहुंचाता है और दूसरी तरफ हमारा जो खून डीऑक्सीजनेट होके आ जाता है उसको लंग्स के पास पहुंचाता है कि ऑक्सीजनेट होके वापस आ जाए। तो ये इसको हमें स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीज़ें पहचानना जरूरी है। ये अलग अलग तरीके की बीमारियाँ इसमें हो सकती हैं। अगर
पैदा होते हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं जिसमें कि दिल में सुराग हो सकते हैं, उम्र बढ़ने के साथ 5 से 15 साल के बीच में हार्ट की वेल्व डिजीज हो सकती है जिसे रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, इसके बाद उम्र बढ़ती है हमें खान पान पर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो, या हमें रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, तो एंजाइना की शिकायत या दिल की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना हो सकता है, तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसको स्वस्थ रखने के लिए हम अगर रिस्क फैक्टर्स को पहचान लें कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो जिससे कि हम उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी। जैसे कि इम्पॉर्टेंट अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखें तो डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना या धूम्रपान करना, ये 4 महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनकी वजह से दिल की बीमारी होती है। इसके साथ ही साथ अगर हमारी जीवन शैली आराम तलब है तो ये बीमारी के लक्षण को रिस्क को काफ़ी बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर हम मेडिटेशन योगा नहीं करते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं, हमारी जीवन शैली एक टाइप ए पर्सनैलिटी है जिसमें कि हम काफ़ी तनावपूर्ण रहते हैं या हम अपने काम को बहुत ज़्यादा परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं और ये नहीं ध्यान देते कि हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं या अच्छी नींद नहीं लेते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं, तो हमें दिल की बीमारी होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ये तो थे जो रिस्क फैक्टर्स, इनको आपको पहचानने हैं और अपने खाने में ध्यान रखना है कि फास्ट फूड का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। फास्ट फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर या कि फ्राइड पोटैटोस, फ्रेंच फ्राइज़, इनसे आपको सेवन करने से बचना है। घर का ताज़ा बना हुआ भोजन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा हमें अगर बीमारी है तो हम कैसे पहचानेंगे, इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे अगर एंजाइना है, अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, घूमते हैं आप, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, पर अचानक से आपके शरीर में कोई बदलाव महसूस होता है, जैसे कि आप अगर पैदल चलते हैं, पैदल चलना शुरू किया, घूमने जा रहे हैं, सीने में दर्द होना, भारीपन आना, दर्द के साथ पसीना होना या सांस फूलना, ये हृदय रोग के आम लक्षण हैं। कभी कभी आपको लक्षण इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि अचानक से आप बेहोश हो गए, गिर गए और फिर उठ के चलने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, तो ये भी हृदय रोग का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। तो इन लक्षणों को पहचानना है। या कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं बहुत बार कि डायबिटीज़ है आपको या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो आपको हो सकता है हृदय रोग के कोई लक्षण लगेगा कि है नहीं, जैसे लक्षण कि आपको पसीना आ गया अचानक से, तो ये हृदय रोग का लक्षण हो सकता है। या थकान रहने लगी या कमज़ोरी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है आपको अपने शरीर के बारे में मालूम है कि आप फिट हैं। जब भी कभी कोई नया लक्षण या कोई नई तकलीफ महसूस हो उसको नज़रअंदाज ना करें, अपने घर के आसपास या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें। फिर जब आप उसको अपनी सिचुएशन या अपनी तकलीफ के बारे में बताएंगे तो उसमें से वो कुछ निष्कर्ष निकालेगा कि वो हृदय रोग से रिलेटेड है, तो वो आपको हृदय रोग स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। तो ऐसे पहचानने के बाद आप डॉक्टर के पास आ सकते हैं बिना डरे हुए, बिना आपके काम को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। तो ज़रूरी है कि आप खुश रहें और डॉक्टर से मिलने से घबराएं नहीं। इस दुनिया में आके हम परेशान बहुत हैं, बर्बाद ये दिल के यहाँ सामान बहुत हैं। जी हाँ दर्शकों, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में तमाम तरह के लजीज खाने पकवान बनाए जाते हैं और दिल चाहता है कि पूरी खाएं, कचौरी खाएं, हलवा खाएं वगैरह वगैरह, लेकिन क्या ये सब चीज़ें दिल को नुकसान करती हैं? शायद ये हम भूल जाते हैं। तो दर्शकों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे आहार हैं जो आपके हृदय के लिए लाभकारी हैं और कौन कौन से आहार आपके लिए नुकसानदेह हैं। ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं डाइटिशियन के पास अपने आखिरी और ख़ास सेगमेंट आहार निरूपण में। अनियमित दिनचर्या एवं जीवन शैली तथा असंतुलित खान पान से हृदय रोग भी आम बीमारियों की तरह हो गया है। अब बच्चों से लेकर वृद्धों तक सबको हृदय रोग संबंधी बीमारियां हो रही हैं। हृदय रोग का मुख्य कारण है कि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाना। जब हम ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं तो हमें हृदय रोग संबंधी बीमारियाँ होती रहती हैं। हृदय रोग की बीमारी आज मधुमेह, मोटापा और रक्तचाप से अंतर संबंधित भी हो रही है। उसके एक दूसरे से सभी बीमारियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं। हृदय रोग से बचने के लिए अपने खान पान और दैनिक दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पान में हमें वसा युक्त चीज़ों की मात्रा कम करनी चाहिए और शराब या मादक पदार्थ या
कोल्ड ड्रिंक जो बहुत ही ठंडे पेय पदार्थ हैं उनके सेवन से बचना चाहिए। हृदय रोग के लिए हमने खान पान में अंकुरित अनाज और फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, सलाद का सेवन करें, और सबसे बड़ी चीज़ जो अर्जुन की छाल है ये आपको सामान्यतः घर पे भी उपलब्ध हो जाएगी, आप अगर दिन नहीं मिलती तो आप पंसारी की दुकान से कर सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं। अर्जुन की छाल और सोंठ दूध में मिला लें और उसमें अगर मिल जाए आप गुड़ मिलाएं, यदि गुड़ नहीं मिलता है तो मिश्री मिला के उसको साथ उसका सेवन रात में गर्म दूध के साथ पिए, ये आपके रक्त की अम्लता को कम करता है, ये रक्त को शुद्ध करता है जिससे कि आप के हृदय रोग संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। दूसरी चीज़ हम गेहूं का जो रस है, गेहूं के पत्ते का रस बहुत ही फायदेमंद है हृदय रोग पे, इसके लिए आप 8 से 10 गमले अपने घर रख लें, इसमें आप गेहूं के बीज